माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आजमाए ये 12 उपाय। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को धन लक्ष्मी, व लक्ष्मी, महालक्ष्मी जैसे कई नामों से जानते हैं। इन्हें चंचला भी कहा जाता है क्योंकि यह एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरती है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से वैभव, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसे कभी भी पैसों की किल्लत या फिर भौतिक सुखों की कमी नहीं होती है। इसी कारण हर कोई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी जल्द प्रसन्न हो जाती है। जानिए इन कारगर उपायों को। यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो धन और समृद्धि के सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं। आओ जानते हैं कि माता लक्ष्मी को क्या पसंद है और वे किस तरह के कार्य करने से प्रसन्न होकर आप पर कृपा करेगी। महालक्ष्मी शंख घर में रखकर उसकी नियमित पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। महालक्ष्मी शंख के होने से धन और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। 2. कौड़ी शंख से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कौड़ी को कई जगह कौड़ी भी कहा जाता है। पीली कौड़ियां घर में रखने से धन में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, अतः शुक्रवार के दिन लक्ष्मी मंदिर में जाकर विधिवत पूजा के दौरान उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। 4. पीले रंग के केसर भाग भी माता को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता लक्ष्मी को पीले और सफेद रंग के मिष्ठान भी अर्पित कर सकते हैं। डॉट नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। इसमें सबसे शुद्ध जल भरा रहता है। श्रीफल होने के कारण माता ये बहुत पसंद है। इसके अलावा आप चाहे तो माता को खीर, हलवा, ईख, गन्ना, सिंघाड़ा, मखाना, बताशी, अनार, पान और आम्रबेल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। 6. माता लक्ष्मी को पारिजात, जिसे हरसिंगार भी कहते हैं, वह वृक्ष और उसके फूल बहुत पसंद है। घर के आसपास यह वृक्ष होने से धन और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। पारिजात के फूलों को खासतौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7. भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का नियमित भोग लगाने से वे अति प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा करते हैं। धन व समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसकी नियमित पूजा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी होती है। 8. वैजंती के फूल भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। वैजंती फूलों का बहुत ही सौभाग्यशाली वृक्ष होता है। इसकी माला पहनने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस माला को किसी भी सोमवार अथवा शुक्रवार को गंगाजल या शुद्ध ताजे जल से धोकर धारण करना चाहिए। डॉट नियमित शालिग्राम और तुलसी माता की पूजा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है। तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाना और भगवान विष्णु की पूजा करने से लक्ष्मी सदा के लिए प्रसन्न हो जाती है। 10. घर की देहली की पूजा करने, मांगना या रंगोली बनाने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 11. घर को साफ सुथरा रखने से धन और समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। पीले वस्त्र पहनने और गुरुवार या शुक्रवार का व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती। माता लक्ष्मी के पूजा में पीली वस्तुएं अर्पित करना चाहिए। 12. घर की महिलाओं का सम्मान करने और उनकी इच्छा पूर्ति करने से लक्ष्मी सदा के लिए प्रसन्न हो जाती है। चढ़ाए कमल का फूल। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, इसलिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की चरणों में कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। घर लाए कुश। रविवार को पुष्य नक्षत्र में कुशमूल लेकर आए और गंगाजल से इसे धोकर शुद्ध कर ले। अब इसे देवता मानकर घर के मंदिर में रखकर विधिवत पूजन करें। बाद में इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी या फिर धन स्थान पर रख दे। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को भी पैसों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। सुखी दाम्पत्य के लिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकरार चल रही है तो शुक्रवार के दिन बेडरूम में प्रेमी पक्षी की तस्वीर लगाएं। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होगी जिससे काम में आ रहे हर अवरोध से छुटकारा मिले। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी माँ की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है।
माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी को खुश करने के उपाय। शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करना लाभकारी साबित होगा। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। शंख, कौड़ी, कम्बल, मखाना, बताशा, ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का दोमुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन ये कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी माँ की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। जिस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है वहां धन दौलत और सुख की कमी नहीं होती, लेकिन माँ लक्ष्मी को बहुत चंचल माना गया है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। कहते हैं जल से उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान पर ठहरना इनका स्वभाव नहीं है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को धर्म कर्म से जुड़े कई नियम पालन करने पड़ते हैं। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे देवी लक्ष्मी बेहद खुश होती है और साधक पर आशीर्वाद लुटाती है। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। गाय की सेवा। शास्त्रों में गाय को पूजनीय माना गया है। रोजाना गाय को ताजी रोटी खिलाने और उसकी सेवा करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इतना ही नहीं, गाय की पूजा से 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी में दीपक। जिस घर में तुलसी हो वहां देवी लक्ष्मी वास करती है। शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी साधक पर मेहरबान होती है और उसके जीवन में धन का आगमन होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की जय हो। माता लक्ष्मी की मुख्य द्वार पर करें ये काम नियमित रूप से, जहां सुबह शाम घर में झाड़ू लगती है, साफ सफाई होती है, वहां लक्ष्मी जी धन अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होने देती है। संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर रोजाना कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक बनाए, ये आपके घर में धन वर्षा के मार्ग खोलने में मदद करेगा। इस दिन दान देगा शुभ फल। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। धन के अभाव को दूर करने के लिए इस दिन व्रत करना अति शुभ फलदायी होता है। 21 शुक्रवार का व्रत कर पूजा में देवी लक्ष्मी खीर का भोग लगाएं और फिर इसे छोटी छोटी सात कन्याओं में बांट दें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये उपाय अचूक माना जाता है। माँ लक्ष्मी करेगी मालामाल घर में। बड़े बुजुर्गों महिलाओं का सदा सम्मान करने से माँ लक्ष्मी उस परिवार से प्रसन्न रहती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। हर मानव और देवी देवताओं के लिए माता पिता का स्थान बहुत ही उच्च होता है। रोज सुबह सोकर उठने के बाद माता पिता के पैर छूने से घर में पॉजिटिव एनर्जी और शांति वातावरण बना रहता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है जो प्रगति का मार्ग आसन करता है।